हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। आपको यहाँ होम पेज पे ही वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में जॉब्स का एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे ही एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसे आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट या एमएस वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 01/2023-24 दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वैकेंसी ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, जिसे आप 31 मई 2023 से पहले पहले सेकंड फ्लोर रजिस्ट्रार्स ऑफिस जामिया मिलिया इस्लामिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग जामिया नगर न्यू दिल्ली 110025 तक 31 मई 2023 से पहले पहले सेंड कर देना है। एंड जिन भी कैंडिडेट ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021-22 17 सितंबर 2021 की डेट में ये वैकेंसी आई थी, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। पोस्ट देख लेते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार में 2 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। लेवल 12 की सैलरी है। मास्टर डिग्री के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार मांगा गया है। 50 ईयर्स की एज दी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 4 पोस्ट है। लेवल 10 की सैलरी है। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आपके पास द अपॉइंटमेंट एंड द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी थ्रू एन आलआई ओपन होना चाहिए। 40 ईयर की एज यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज हैं रजिस्ट्रार के अलावा सभी में 40 ईयर एज दी गई है। नेक्स्ट देख लेते सेक्शन ऑफिसर में 4 वैकेंसी, लेवल 7 की सैलरी है। ग्रेजुएशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट मांगा गया है। प्रोफेशनसी कंप्यूटर ऑपरेशन में मांगा गया है। असिस्टेंट में भी लेवल 6 की सैलरी है। ग्रेजुएशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आ जाए यूडीसी मांगा गया है। एंड यूडीसी में 10 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी यहां पर दी गई है। यहां पर भी ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज एलडीसी मांगा गया है। साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड हिंदी इंग्लिश या उर्दू में होनी चाहिए। कंप्यूटर में प्रोफेशनसी भी मांगी गई है। एलडीसी में 70 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ग्रेजुएशन के साथ में इंग्लिश टाइपिंग स्पीड या प्रोफेशनसी कंप्यूटर में मांगा गया है। एमटीएस में 60 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर भी है। लेवल 1 की सैलरी है। 10th क्लास पास आउट मांगा गया है। या आपके पास आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी में यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी है। ग्रेजुएशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ पर्सनल असिस्टेंट या 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर मांगा गया है। स्टेनोग्राफी स्पीड भी मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट में 8 वैकेंसी है। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में स्टेनोग्राफी स्पीड एंड हिंदी इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए। साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में 19 वैकेंसी दी गई है। लेवल 4 की सैलरी है। ग्रेजुएशन के साथ में स्टेनोग्राफी स्पीड इंग्लिश में एंड टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में मांगी गई है। कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। नेक्स्ट है लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट में 1 वैकेंसी है। लेवल 6 की सैलरी है। यहाँ पर सेकेंड ग्रेड में बैचलर डिग्री मांगी गई है। साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड बटवारी में होना चाहिए। नेक्स्ट है लैंड रिकॉर्ड कीपर के लिए भी यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी है। 10+2 के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ लैंड रिकॉर्ड क्लर्क में या तहसील में या सब डिवीजन ऑफिस में होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंट में लेवल 6 की सैलरी है। या अगर आपके पास बी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के केस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएशन के केस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेमी प्रोफेशनल
असिस्टेंट में यहाँ पर 8 वैकेंसी है। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में या ग्रेजुएशन में लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट कंजर्वेटिव के लिए, वहाँ पर 5 लेवल 5 की सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया हिस्ट्री में या लिटरेचर में, इंग्लिश हिंदी उर्दू या एमएससी फिजिकल या अप्लाइड साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास पीजी डिप्लोमा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में होना चाहिए। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कंजर्वेशन फ्रॉम नेशनल म्यूजियम से है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कम से कम 2 लैंग्वेज का नॉलेज यानी हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू या इंग्लिश उर्दू का होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट में 1 लेवल 1 की सैलरी है, 10+2 मांगा गया है। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा FTK के सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए लेवल 12 की सैलरी है। अगर आपके पास BE/BTech कंप्यूटर साइंस में है एंड 9 ईयर का एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MSc MCA कंप्यूटर साइंस में या MTech है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर की एज यहाँ पर मांगी गई है। प्रोग्रामर में 1 वैकेंसी लेवल 10 की सैलरी है। अगर आपके पास BE/BTech या MTech है कंप्यूटर साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MCA हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रो ट्रायल डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी असिस्टेंट में यहाँ पर लेवल 2 की सैलरी है। टोटल 11 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। आपके पास अगर 10+2 पास आउट है, साथ ही आपके पास अगर एक्स सर्विस पैरामिलिट्री पर्सनल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पर 6 वैकेंसी लेवल 5 की सैलरी है। अगर आपके पास BE/BTech सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट में यहाँ पर 4 वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी है। अगर आपके पास BSc फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेचुरल साइंसेज में लेबोरेटरी अटेंडेंट में लेवल 1 की सैलरी है, 2 वैकेंसी है। 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ में या 10+2 किसी भी 10th क्लास किसी भी बोर्ड में है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस के लिए सीनियर स्टडिकल असिस्टेंट में 1 वैकेंसी लेवल 6 की सैलरी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में, अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद है नेहरू गेस्ट हाउस में कुक के लिए 1 वैकेंसी है, 10th क्लास पास आउट मांगा गया है। आपके पास ITI सर्टिफिकेट बेकरी या कन्फेक्शनरी में तो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल में 1 वैकेंसी है। यहाँ पर लेवल 13 की सैलरी दी गई है। BE/BTech सिविल इंजीनियरिंग के साथ में 8 ईयर का एक्सपीरियंस एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में भी 1 वैकेंसी है एंड जूनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ पर 6 वैकेंसी। इन सभी में अगर आपके पास BE/BTech संबंधित ब्रांच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल में भी सेम है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है एंड लेवल 10 की सैलरी है। मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स साइंस में या फिजिकल एजुकेशन में मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप PhD हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच में 1 वैकेंसी है, लेवल 5 की सैलरी है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही आपके पास डिप्लोमा इन कोचिंग फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लेवल स्पोर्ट्स में होना चाहिए। 5 ईयर का कोचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इंस्ट्रक्टर उर्दू कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स के लेवल 10 की सैलरी है। आपके पास मास्टर डिग्री उर्दू में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा एवेल्यूटर उर्दू कॉरेस्पॉन्डेंस में भी लेवल 6 की सैलरी, 1 वैकेंसी। अगर आपके पास MA उर्दू में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर में ग्रुप ए या लेवल 10 से अबव की वैकेंसी के लिए 100, OBC के लिए 800 की फीस है, SC ST में 400 है, PWD दिव्यांगजन के लिए कोई भी फीस नहीं है। जबकि ग्रुप एन BNC के लिए 100, OBC में 500 है, SC ST में 250, PWD के लिए कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी आपको। अप्लाई आपको ऑफलाइन ही करना है एंड ऑफलाइन अप्लाई करने का फॉर्म वेबसाइट पर दिया गया है, यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेके आपको इसको आपको प्रोफार्मा को इसे एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट पोस्ट अप्लाइड फॉर इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट अनाउंस फॉर फी डिपॉजिटेड, यूजर्स बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी होंगी। यानी यहाँ पर अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करना है, अपने अपने फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर चिपकाने होंगे। इस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करके अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में जामिया मिलिया के एड्रेस पर 31 मई 2023 से पहले पहले आपको फॉर्म को सेंड कर देना है एंड फीस को सेंड करने का लिंक भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है PDF फाइल में, यहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ पर आपको फीस डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया गया है, नेम ऑफ द बैंक जामिया JMI कॉन्फ्रेंसेस, नेम ऑफ द बैंक इंडियन बैंक, ब्रांच जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है तो डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड यहाँ से आप अपने फीस को ऑनलाइन अप्लाई करके PDF फाइल या वर्ड की फाइल को डाउनलोड करके अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में 31 मई 2023 से पहले फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।